दोस्तों आजकल इतनी रूह को कपाने वाली वारदातें हो रही हैं, ये सोचने वाली बात ये हो जा रही है कि किसको कोई कोसे, उस महिला को जिसने अपने 5 बच्चे होने के बावजूद, उसके पति के होने के बावजूद अपने प्रेमी से मिलने गई, या उस प्रेमी को जो इतने परिवार की परवाह किए बगैर आई हुई प्रेमिका का बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर देता है। बागपत से यह मामला सामने आया है जिसमें 5 बच्चे की मां अपने प्रेमी से मिलने होटल में जाती है और होटल में उसका प्रेमी बेरहमी से उसका गला दबाकर हत्या कर देता है। मामला क्या है आइए चलिए पहले आपको बताते हैं। घर वालों से छुपकर अपने प्रेमी के साथ होटल में आई विवाहित महिला को उसके प्रेमी ने ही गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। महिला 5 बच्चों की मां थी और उसके आरोपी के साथ नाजायज संबंध थे। मौत से पहले महिला अपने प्रेमी से वापस घर लौटने की जिद कर रही थी, जिसे लेकर उसके बीच काफी बहसा बहसी हुई। दिल्ली मेरठ मार्ग पर शिवम बिहार कॉलोनी के निकट स्थित होटल में कमरे में एक विवाहित महिला का शव बेड पर पड़ा हुआ पाया गया। महिला का प्रेमी उसे होटल में लेकर आया था, मगर महिला पूरी रात होटल में रुकने से इनकार करती रही और उससे घर जाने की जिद करती रही। इसी बात से गुस्सा होकर प्रेमी ने महिला का गला दबाकर मार डाला, फिर होटल से भाग निकला। हालांकि पुलिस ने वारदात के महज 5 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली मेरठ मार्ग पर ITI कॉलेज के सामने शिवम बिहार कॉलोनी के निकट होटल रॉयल रेजिडेंसी में रविवार रात एक युवक महिला के साथ आया था। उसने रात में ठहरने के लिए रूम बुक किया था। युवक ने होटल में अपना नाम गौतम सिंह निवासी गांव अमराला व महिला का नाम रचना राजकुमार निवासी निवाड़ा जिला बागपत बताया था। सोमवार सुबह गौतम सिंह होटल कर्मचारी से यह कर गया था कि वह पैसे निकालने के लिए ATM जा रहा है। जब दोपहर 1 बजे तक युवक वापस नहीं लौटा और न ही महिला रूम से बाहर निकली, तो संदेह होने पर जब होटल कर्मचारी ने दूसरे चाबी से दरवाजा खोला तो महिला बेड पर मृत पड़ी थी। होटल स्टाफ ने फौरन पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और महिला के परिवार वालों को इसकी सूचना दी। महिला का पति राजकुमार निवासी निवाड़ा जिला बागपत परियोजनों के साथ मुरादनगर थाने पर पहुंचे। राजकुमार ने बताया कि महिला 5 बच्चों की मां है। पुलिस के पूछताछ में पता चला कि महिला बागपत जनपद के निवाड़ा गांव की रहने वाली रचना है, जो कि एक NGO में काम करती थी। वहीं रचना 3 दिन पहले ही अपने प्रेमी गौतम के साथ फरार हो गई थी। इतना ही नहीं, रचना ने बकायदा फोन करने में बताया था और गौतम सिंह के साथ जाने की बात कही थी, जिसके बाद उसने फोन को कट कर दिया था। लगातार महिला का पति राजकुमार उसकी तलाश कर रहा था। उसके बाद रचना ने फिर से फोन करके पति राजकुमार से कहा कि वह बस स्टैंड पहुंच चुकी है। यह कर रचना ने फिर फोन स्विच ऑफ कर लिया। बता दें कि राजकुमार ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली बागपत में दर्ज करा दी थी, जिसके बाद आज उसे हत्या होने की सूचना मिली। दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे पाप न सिर्फ समाज के लिए बल्कि हमारे परिवार को भी तोड़ने का काम करते हैं। इस तरह के पाप से सभी को दूर रहना चाहिए। तरह के कार्य करने वाले लोगों का पुरजोर बहिष्कार होना चाहिए। पर विशेष तौर पर कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि किसी का घर न टूटे और ना ही कभी इस तरह की हत्या हो सके। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।